आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन। इसके लिए मैं ली हूँ 7 ड्रमस्टिक यानी कि लेग पीस। मैं इस तरह से इसे कट कर दी हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं अपने लेग पीस में कट कर दी हूँ, ताकि जो मैं मसाला मैरिनेट करने के लिए रेडी करूँगी उसका जो रस है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। तो दोस्तों इसी वजह से मैं देखिए सारे जो लेग पीस हैं उन सब में इस तरह से कट मार्क कर दी हूँ। अब इन सब को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत है दही का। ये देखिए ये मैं जो दही ली हूँ ये लगभग 100 ग्राम है, 100 ग्राम में खट्टा दही ली हूँ। उसके बाद मैं ली हूँ ये मसाला जो कि मैंने घर में खुद से रेडी की हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, लाल मिर्ची जिसे मैं रोस्ट की हूँ, और रोस्ट करके फिर मैं इसका पाउडर घर में ही तैयार की हूँ। उसके बाद मैं ली हूँ ग्रीन चिली जो मेरे टेस्ट पे है। ये देखिए इस तरह से मैं चिली ली हूँ, थोड़ा सा एक गार्लिक ली हूँ जो कि इसके कोए जो हैं थोड़े बड़े बड़े हैं तो एक ले ली हूँ। उसके बाद ऑनियन ली हूँ छोटे छोटे, 2 ऑनियन ली हूँ और थोड़ा सा अदरक ली हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ली हूँ हल्दी और नमक, और सबसे मेन जो है दोस्तों ये तंदूरी मसाला जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और ये इसे मैं मिक्स करूँगी मेरे मैरिनेट वाले मसाले में। उसके बाद मैं 2 टेबल स्पून थोड़ा सा नींबू का रस ली हूँ। तो दोस्तों इन सबको मैं अच्छे तरीके से लेके इसको मैं फाइन एक पेस्ट बनाऊँगी जो कि मैं दही में इन पेस्ट को मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी। तो इसे दोस्तों जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे अब मैं क्या करूंगी इस विस्कर से दही के साथ मिक्स करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैं मिक्स करूं ताकि सारा जो मसाला है वो मेरे दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों तो इस तरह से मैं मसाला को मिक्स की हूँ। अब इसमें हल्दी 2 टेबल स्पून के लगभग मैं नींबू का रस भी मिक्स की हूँ और नमक भी मिक्स की हूँ। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिलाई हूँ। मिलाने के बाद अब क्या करूँगी इसे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि मेरा जो मसाला का जितना भी रस है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर चले जाए। तो ये देखिए दोस्तों अब मैं इसे डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे मैं क्या करूँगी हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी फ्रीज में 30-40 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि जो मसाला का रस है वो हमारा ड्रमस्टिक अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ये अब ये इस तरह से मिक्स करने के बाद हो गया है, और अब आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चा या पेपरिका या कलर फूड कलर जो भी है आप मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसे बच्चे भी खाएंगे तो इसे अवॉइड ही कीजिए। और अब चलिए अब इसे हम लोग 30-40 मिनट्स के लिए इसे फ्रिज में रख दें। तो अब मैं इसे फ्रिज से बाहर कर ली हूँ, और अब मैं क्या करूँगी कि ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस में पहले प्री हीट कर लूँगी। उसके बाद ओवन ट्रे में पहले अल्मीनियम फॉयल को बिछा दूंगी और फिर अपने ड्रमस्टिक को रख लूंगी, रख के उसे ओवन में डाल दूंगी 30 मिनट्स के लिए ताकि वो हमारे अच्छे से पक जाए। हमारा चिकन तंदूरी अब पक चुका है और अब ये खाने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके लिए हम लोग प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए मैं तंदूरी चिकन के 2 पीस ली हूँ, लेटस के पत्ते ली हूँ, ऑनियन ली हूँ जो कि रिंग शेप में मैं काट के रखी थी, उसके बाद मैं कुकुम्बर ली हूँ, और दोस्तों मैं इसके साथ खाने के लिए धनिया और लहसुन की चटनी इस दौरान में बनाई थी जो कि इसके साथ खाया जाता है। आप चाहें तो दूसरा चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। रेडी हो चुका है, अब आप लोग भी अपने किचन में ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।